शहर में अब भी लोग विद्युत शवदाह गृह को लेकर जागरूक नहीं हैं। यही वजह है कि रामनगर मुक्तिधाम में बने विद्युत शवदाह गृह में एक महीने में मात्र 5 शवों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह के माध्यम से किया गया, जबकि अधिकांश लोगों के शव का अंतिम संस्कार पुराने विधि विधान से ही हुआ। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की मंशा से जिस विद्युत शवदाह गृह की शुरुआत की गई है, यह विद्युत शवदाह गृह को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। जागरूकता के अभाव में लोग अभी भी पुराने विधि विधान से ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जनरली जितने भी बाड़ियाँ आती है उनसे, उनके परिजन हैं या उनके जो संबंधी वगैरह आते हैं उनसे हम बात करते हैं और प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो है आप विद्युत सौदागरी में आप संस्कार किए करके। लेकिन अभी यहाँ लकड़ी वकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और अभी एक महीने में 5 बाड़ी जली है, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, जो लकड़ी सप्लायर है वो बहुत जल्दी सप्लाई करने के लिए बोला है। लोगों की थोड़े सा अवेयरनेस है, इसमें जो है जागरूकता लाने की ज़रूरत है और स्वयं को भी सोचना पड़ेगा पर्यावरण के बारे में कि हम लकड़ी का कम से कम उपयोग करें और प्रदूषण कम फैलाएं।